हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजित कसरा उत्कर्ष एकेडमी रतलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आपके ट्रिकी जीके के अंदर हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। आपने देखा होगा विगत कुछ वर्षों के अंदर जो एग्ज़ाम्स हुई हैं, जैसे रेलवेज हुआ, SSC हुआ, या अदर कोई भी एग्ज़ाम होती है, फोर्सेज की एग्ज़ाम होती है, आर्मी की एग्ज़ाम, वहाँ कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब रद्द हुआ, चोरा चोरी कांड कब हुआ, ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब होता क्या है कि स्टूडेंट वो सन में कंफ्यूज होते हैं, सन वाला जो डाटा रहता है 1940 1942 कुछ हुआ, 1945 में कोई, 1922 में कोई घटना, कोई 23 में, 27 में। अब होता है कि स्टूडेंट के साथ जो गलतियां होती हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं। असहयोग आंदोलन का डाटा वो चोरा चोरी कांड में डाल देते हैं, और चोरा चोरी कांड में जिस वर्ष कोई घटना हुई है वो अलग घटना के सन में चला जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। ये ट्रिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना, राष्ट्रीय आंदोलन घटना है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा इसके अंतर्गत मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसको ट्रिक से याद करना है। अच्छा, पहले तो मैं ट्रिक बताऊँगा, फिर ट्रिक का डिस्क्रिप्टिव आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिएगा अभी तक बिल्कुल ध्यान से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्व, देखिए, पांच बंगाली, छह मुस्लिम, सात कांग्रेसी को बांट दिया, पांच बंगाली, छह मुस्लिम, सात कांग्रेसी को बांट दिया। तो पांच बंगाली, छह मुस्लिम और सात कांग्रेस को बांटते, यानी कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। छह मुस्लिम, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, और सात कांग्रेस को बांटते, यानी कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, तो ट्रिक क्या हो गई आपकी, पांच बंगाली, छह मुस्लिम और सात कांग्रेसी को बांट दिया, ठीक है। अब अगला आप देखिए, ये है आप फर्स्ट ट्रिक, ठीक है। अगली ट्रिक देखिएगा आप यहां से, लखनऊ के 16 होम में 19 रोल जाल बिछाकर, लखनऊ के 16 होम में 19 रोल जाल बिछाकर हंटर कमेटी का खिलाफ किया, हंटर कमेटी का खिलाफ किया, ठीक है। अब आप देखिएगा, सबसे पहले आप ये ट्रिक याद करिए, मैं डिस्क्रिप्टिव तो आपको बता दूंगा कहाँ क्या होता है, आप इसको रटेंगे पहले, ठीक है। पांच बंगाली, छह मुस्लिम, सात कांग्रेस को बांट दिया, लखनऊ के 16 होम में 19 रोल जाल बिछाकर हंटर कमेटी का खिलाफ किया, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको यहाँ बिगाड़ देता हूँ और इसी को ऊपर लिख देता हूँ सबसे पहले, है ना। देखिए, पांच बंगाली, छह मुस्लिम, सात कांग्रेस को बांट दिया, लखनऊ के 16 होम में 19 रोल जाल बिछाकर हंटर कमेटी का खिलाफ किया, हंटर कमेटी का खिलाफ किया, एक और, 20 सहयोगी 22 चोर, आ को स्थगित गोल्ड, 23 पार्टी को 24 हीरा, इंग्लिश में लिखना है, हीरा तो। अब आप देखिए, ये ट्रिक्स हैं, अब इसको बार बार मैं पहले पढ़ के बताता हूँ। पांच बंगाली, छह मुस्लिम, सात कांग्रेस को बांट दिया, लखनऊ के 16 होम में 19 रोल जाल बिछाकर हंटर कमेटी का खिलाफ किया, 20 सहयोगी, 22 चोर, आ को स्थगित गोल, और 23 पार्टी को 24 हीरा तोड़।
ठीक है। अब इस केवल आपको इन तीन लाइन को बार 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 रटना है, जैसे पांच बंगाली, छह मुस्लिम, सात कांग्रेस को बांट दिया, लखनऊ के 16 होम में 19 रोल जाल बिछाकर हंटर कमेटी का खिलाफ किया, 20 सहयोगी, 22 चोर, अ आ को स्थगित गोल, 23 पार्टी को, 24 हिरातोल। ठीक है, एक प्रकार देखिए इसमें रिदम बन रहा है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 20 सहयोगी, 22 चोर, अ आ को स्थगित गोल, 23 पार्टी को, 24 हिरातोल। ठीक है, एक रिदम बन रहा है यहाँ पे। लखनऊ के 16 में 19 रोल जाल बिछाकर हंटर कमेटी का खिलाफ किया, ठीक है। अब देखो किया और ये दिया, ये एक रिदम बन रहा है, याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब चलिए ये तो ट्रिक्स हो गए, अब इसका डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं लेकर आऊँ, पाँच बंगाली, छः मुस्लिम, सात कांग्रेस को बांट दिया। अब इसका डिटेल 1905 सन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 1906, ये है 1907, ये है 1916, ये है 1919, ठीक है, ये है 1920, ये है 1922, ये है 1923 और ये है 1924। अब आप देखिए मेरे साथ में, है ना। अच्छा मैं इसको राउंड अप कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, जब तक मैं राउंड अप कर देता हूँ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये 1920, 1922, 1916, 1919, 1923। अब देखिए ये इतने सन आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक सन के अंदर दो घटनाएं आएगी तो वो 10। अब आप अगर ये अलग अलग याद करते हो तो 10 ही कभी भी मिक्सअप होने के चांसेस रहते, लेकिन यहाँ नहीं होंगे। जैसे मैंने ट्रिक बताई, पांच बंगाली, छह मुस्लिम, सात कांग्रेस को बांट दिया, लखनऊ के 16 में 19 रोल जाल बिछाकर हंटर कमेटी का खिलाफ किया, 20 सहयोगी, 22 चोर, आ को स्थगित गोल, 23 पार्टी को, 24 हिरातोल। ठीक है, जब मैं नहीं भूला तो आप कैसे भूल सकते हो, ठीक है। और मैं कभी भी कोई भी सेशन पढ़ाता हूँ तो मैं कभी भी रीड करके उसको नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि हम जो पढ़े हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ऐसे ही याद है सब कुछ। और मैं जिस तरीके से हमने स्टडी की है मैं वही आपको करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप 1905 बंगाल विभाजन घटना का अब नाम लिखेंगे, क्या है 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, इसको लाइन अप कर देते हैं, ठीक है। चूँकि आपने सनिया, ठीक है, 1906 लिखा, 1906, अब 1906 में क्या हुआ था, ठीक है, ये इसको बंगाल विभाजन हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, बंगाल विभाजन 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग स्थापना, ठीक है। जैसे देखिए आप ध्यान से देखिएगा, मैं बोल भी रहा हूँ, हो सकता है किसी को राइटिंग समझ में ना आए तो आप, मैं बोल भी रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। पांच बंगाली यानी कि 1905 बंगाल विभाजन, छह मुस्लिम यानी मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1907 कांग्रेस को बांट दिया, 1907 कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में होता, ठीक है। लखनऊ के 16 में, 1916 में क्या होता, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, ठीक है। 1916 में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना, क्या होता, होम से होम रूल लीग की स्थापना, है ना। मैं इसको लाइन करके यहाँ लिख देता हूँ, होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है। 1919 में हुआ था रोलेट एक्ट पारित हुआ था, और जाल से जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोल से रोलेट एक्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, रोलेट एक्ट लागू हुआ था, जाल से जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, है ना। मैं एक बार और, ठीक है, और हंटर कमेटी की स्थापना भी हुई थी 1919 में, ठीक है। हंटर कमेटी यानी कि इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1919 में, 1919 में हंटर कमेटी, हंटर कमेटी स्थापना, ठीक है, है ना। चलिए आप देखिए, 20 सहयोगी, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक है। 22 चोर, 1922 में हुआ था चोरा चोरी कांड, और 1922 में हुआ था असहयोग आंदोलन स्थगित, ठीक है। चोर से चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 1922 में, और अ आ को स्थगित यानी कि असहयोग आंदोलन स्थगित, असहयोग आंदोलन स्थगित, ये भी हुआ था 1922 में। 23 पार्टी, 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना, 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है।
और 24 हीरातुल हिंदू एच आई से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एंड एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी 1924 में। ठीक है, सन तो आपने लिख लिखा। अब देखिए हीरा का डिस्क्रिप्टिव देख लीजिए, एच आई और आर ए, ये मैंने अलग अलग हीरा ऐसे इंग्लिश में क्यों लिखा है, एच आई से हिंदुस्तान, आर से रिपब्लिकन, ए से एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, आप इसको पहले अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, पांच बंगाली, अब मैं इसको डिटेल, 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, लखनऊ के 16 में यानी कि लखनऊ अधिवेशन हुआ तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, 1916 1919 में हुआ था रोलेट एक्ट, जाल से जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। ठीक है, हंटर कमेटी की स्थापना भी हुई थी 1919 में, 20 सहयोगी 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ, आपको स्थगित गोल यानी कि असहयोग आंदोलन जो स्थगित हुआ वो भी 1922 में, 23 पार्टी तो कौन सी पार्टी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, और 24 हिरातल तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एंड एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइटिंग वर्क कर लीजिए, मैं दो मिनट देख लेता हूँ कि अगर कोई ऐसा जो आपको समझाने की चीज़ छूट तो नहीं रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक डाटा छूटने वाला था जो कि बच गया, बरोबर ये हत्याकांड का, हाँ खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये खिलाफ क्या, खिलाफत आंदोलन पर सेम, क्योंकि एक बार अंक आया ना 19, उसके बाद की सारी घटना उसी के साथ में, 1919 रोलेट एक्ट, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 हंटर कमेटी की स्थापना और ये खिलाफत आंदोलन, खिलाफ से खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये मिक्सअप हो गया होगा, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, खैर कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब मैं वापस इसको, ये अभी आपको समझाने के लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मुझे समझाना तो यहीं से पड़ेगा, है ना। मैं एक बार और यहाँ लिख के सारे आंदोलन की एक लिस्ट यहाँ रख दूंगा ताकि आपको कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, बाकी आप फिर भी इसको एक बार अच्छे से देखते हुए लिख लीजिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल, है ना, चलिए। देखिएगा, अब मैं इसको एक बार रीड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको बिगाड़ रहा हूँ, है ना, एक बार लास्ट टाइम इसको मैं रीड करके फिर बिगाड़ता हूँ। पांच बंगाली, छह मुस्लिम, सात कांग्रेस को बांट दिया, लखनऊ के 16 होम में 19 रोल जाल बिछाकर हंटर कमेटी का खिलाफ किया, 20 सहयोगी, 22 चोर, को स्थगित कोल, 23 पार्टी को 24 हिरातुल। ठीक है, यहाँ मैंने सन में आपको डिस्क्रिप्टिव बता दिया है। ठीक है, और 1900 रोल जाल बिछाकर हंटर। ठीक है, अब देखो हंटर कमेटी की जो स्थापना होती 28 मई 1920 को हुई थी। ठीक है, है ना, तो आप देखिए 20 सहयोगी बाद में आ रहा है, तो वहाँ जो भी सन आता है हंटर कमेटी में आप 1920 लगा सकते हैं। ठीक है, हंटर कमेटी की जो स्थापना हुई थी 28 मई 1920 को हुई थी। ठीक है, अब आप डिस्क्रिप्टिव देख लीजिए एक बार और। ठीक है, अच्छा अब हमने जो ट्रिक याद करी हम डायरेक्ट अब लिखेंगे, 1905 बंगाली, 6 मुस्लिम, 7 कांग्रेस को बांट दिया, ठीक है, लखनऊ के 16 होम में 19 रोल जाल बिछाकर हंटर कमेटी का खिलाफ किया, 20 सहयोगी, 22 चोर, को स्थगित कोल, 23 पार्टी को 24 हीरातुल। ठीक है, अब ये सब 1900 की घटना है। ठीक है, ये पांच बंगाली, छह मुस्लिम, सात कांग्रेस को बांट दिया, लखनऊ के 16 में 19 रोल जाल बिछाकर हंटर कमेटी का खिलाफ किया, 20 सहयोगी, 22 चोर, को स्थगित कोल, 23 पार्टी को 24 हीरातुल। ठीक है, अब आप देखिए भारतीय बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905, ये हम लिखेंगे इसमें बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, साथ में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, और लखनऊ पैक्ट, लखनऊ जुटा हुआ 1900,
19 रोल जाल बिछाकर 1919 में हुआ था रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, ठीक है। उसके बाद हंटर कमेटी का खिलाफ क्या, हम इसके साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। 1900 हंटर कमेटी की स्थापना हुई थी 1920 में, ठीक है। और असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और हंटर कमेटी स्थापना, ये दोनों हुई थी 1920 में, ठीक है, है ना। हंटर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, यहाँ हमको एक चीज़ समझ में आती है कि 1919 और 1920 आता है, ठीक है। तो हम हंटर कमेटी में क्या लिखें, तो ध्यान रखिएगा आप इधर, इसमें 5 बंगाली, 6 मुस्लिम, 7 कांग्रेस को बांट दिया, लखनऊ के 16 में 19 रोल जाल बिछाकर हंटर कमेटी का खिलाफ किया। हंटर कमेटी की जो स्थापना है वो 1919 में आएगी और हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित है वो 1920 में आएगी, ठीक है, है ना। अगर हंटर कमेटी की स्थापना का बोले तो आप ये स्थापना वाला पॉइंट यहाँ से हटा कर यहाँ लिख दीजिएगा, हंटर कमेटी स्थापना, और हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित तो वो 1920 में हुई थी, ठीक है। 1920 सही होगी, 22 चोरा चोरी कांड, ठीक है। और असहयोग आंदोलन स्थगित भी इसी में होता, असहयोग आंदोलन स्थगित, ठीक है। 23 पार्टी, तो कौन सी पार्टी, स्वराज पार्टी। और 24 हीरातोल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है। अब देख लीजिए इसको, 5 बंगाली, 6 मुस्लिम, 7 कांग्रेसी को बांट दिया, लखनऊ के 16 होम में 19 रोल जाल बिछाकर हंटर कमेटी का खिलाफ किया, ठीक है, हंटर कमेटी का खिलाफ किया, 20 सहयोगी, 22 चोर, 23 पार्टी को, 24 हीरातोल, ठीक है। हंटर कमेटी की स्थापना, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये मैंने डिस्क्रिप्टिव यहाँ लिखा ही था और मैंने वापस बोला है, फिर भी मैं एक बार वो लिख देता हूँ, 5 सहयोगी, 5 बंगाली, 6 मुस्लिम, 7 कांग्रेसी को बांट दिया, लखनऊ के 16 होम में 19 रोल जाल बिछाकर हंटर कमेटी का खिलाफ किया, 20 सहयोगी, 22 चोर, आ को स्थगित गोल, 23 पार्टी को, 24 हीरा। तो ये देखिए ये, और ये आपके पास पूरी डिटेल, ठीक है। बस आप ये याद कर लेते हैं तो ये अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। और एक ही सन में दो दो घटनाएं, इसको जोड़ के इस तरीके से ले रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सके, बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में, 1905 में कौन सी घटना हुई थी, बंगाल विभाजन, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था और सन आ जाते, तो 1907 में हुआ था। और ये सब पूछ लिया जाता है 1907 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई, और एक ऑप्शन अगर कांग्रेस का विभाजन होता है तो कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया होगा, मैं आगे भी इसके आगे का अपडेट भी और मैं लेके आऊँगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो आगे मैं भी मोटिवेट कहाँ से आऊँगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, है ना। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, और वैसे भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से बिल्कुल तैयारी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, बता दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन बताऊँगा।